अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको नया नेक्स्ट लेक्चर देने जा रही हूँ। आज आपकी जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें लेक्चर नंबर 6 है, ये जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। इसमें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आपको इससे हाईलाइट कर दिया था। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है कि हम एक्चुअली ऐसा ही का मकसद तो यही है ना कि हमारा जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है वो इतना अच्छा हो कि यूज़र को किसी किस्म की मुश्किल ना हो। मैं आप एक छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई कि सपोज़ कि अगर आप कार चलाते हैं और कार में आपने एक कंप्यूटर कीबोर्ड यूज़ किया हुआ है कि अगर राइट साइड पे मुड़ना है तो फिर आप F2 प्रेस करते हैं, लेफ्ट और द लेफ्ट वही आप जो है वो F1 प्रेस करते हैं, F3 आपने साउंड हॉर्न साउंड के लिए यूज़ किया हुआ है और दूसरा जो है वो F4 इस तरह आपने लाइट्स ऑन करने के लिए और F5। एकदम से कोई वॉल आ जाती है ड्यूरिंग कार ड्राइव आप तो आप एकदम से आपने F4 प्रेस कर दिया क्योंकि F4 नहीं करना था। उसके लिए आपको उसके मुताबिक का जो है वो इस जो है वो यूज़ करना था। उसकी जगह या फिर आपने जो कीज़ आपने मेंशन की हुई थी उसके बजाय आपने कोई और की प्रेस कर दी है, जैसे स्पेस बार आपने प्रेस कर दी, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमन की जो इंट्रैक्शन है उसके जो बिहेवियर है उसके मुताबिक वो प्रोसेस करें। तो उसको समझने के लिए पहले हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को देखेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है और उसका फ्रेमवर्क जो है इससे में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है एक्चुअली, ये आपकी जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी और जो है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करती है। जैसे कि जो कुछ इंसान देखता है, सोचता है, फील करता है, टेस्ट करता है, स्मेल करता है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्टिव जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो इसमें यही है कि वो इस इन प्रोसेस को जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी मेंशन करे कि क्या क्या ये परफॉर्म कर सकता है और उसकी लिमिटेशंस को भी वो एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने के लिए पहले तो हमें कॉग्निशन के वर्ड को समझना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या है। कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हाउ वी गेन द नॉलेज, ये नॉलेज हमने कैसे गेन की, उसको तो हम इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं आपको। जैसे कि अपने माइंड में हमारे पास बहुत सी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि परसीविंग है। परसीविंग का मतलब ये हुआ कि आप कोई चीज़ देखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं। थिंकिंग है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। रिमेम्बरिंग है, आप पास्ट में कोई चीज़ गुजरी थी उसको अपने माइंड में लेकर उसको याद कर रहे हैं। लर्निंग है, कुछ चीज़ आपके सामने हो रही है उससे आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। या फिर प्लानिंग है मील के, आपने अगर मील के लिए प्लान किया तो आप किसको खाने पे इनवाइट करिए, कहाँ पर बुला रहे हैं, खाने में क्या होगा, ये आप प्लान करते हो। किसी ट्रिप पे जाने का सोच रहे हो तो वो इमेजिन किया कि ये ट्रिप कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कौन कौन साथ आएगा। पेंटिंग करते हुए आप सोचते हैं कि किस तरह से पेंट करूँ, क्या पेंट करना है। इसी तरह जब कुछ लिखने लगते हैं तभी आपका सोचते हैं। ये सारा कुछ दिमाग का काम है जो सोचना है, ये सारा कॉग्निशन ही है जो आपको नॉलेज दे रहा है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग अदर्स, टॉकिंग विद अदर्स, मैनिपुलेटिंग अदर्स के दूसरे लोगों को समझना, इस तरह से कि उनसे बात करके जब वो दूसरों से बातें कर रहे होते हैं उनको मैनिपुलेट करना, और इस तरह इसके अलावा मेकिंग डिसीजंस, फैसले करना या फिर प्रॉब्लम्स को सेव करना, या दिन में ख्वाब देखना भी आपके माइंड की एक एक्टिविटी है, ठीक है। इन सबको अगर फॉलो करते हुए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो कॉग्निशन है, ठीक है ना। अब एक कॉग्निशन के कुछ मोड्स हैं हमारे पास कि कितनी तरह की कॉग्निशन हो सकती है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल कॉग्निशन, एक होती है रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन। एक्सपेरिमेंटल कॉग्निशन जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो इस तरह से है कि अगर आपने कोई चीज़ परफॉर्म करनी है तो पहले आप उससे सोचते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं, फिर उसके मुताबिक इवेंट्स के मुताबिक एक्ट करते हैं। जैसे कि आपने गाड़ी ड्राइव करनी है तो उसको आप उसके प्रोसेस के मुताबिक ही चलेंगे, ठीक है, ताकि जब तक आप उसको चलाएंगे तो सीखेंगे तो आप कार का ऊपर काबू पा सकते हैं। इसी तरह रीडिंग अ बुक, बुक को रीड करना, हैविंग अ कन्वर्सेशन, किसी से बात करेंगे तभी उसी से अंदाज़ा होगा कि अगला बंदा क्या चाहता है। या फिर प्लेइंग अ वीडियो गेम, जो कि रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन में आपके पास क्या है, आप सोचते हैं
फिर कंपेयर करते हैं और फिर उसके मुताबिक डिसीजन मेक करते हैं। जैसे कि आपके पास है कि आपने डिज़ाइनिंग करनी है, तो तभी आप सोचते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि ठीक होगा या नहीं, देन आप उसके लिए डिसीजन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आपने क्या है, लर्निंग भी आप किसी को देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर नई चीज़ बनती है। एंड राइटिंग अ बुक, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारी आपके पास रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन में आती है। ठीक है, अब है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है एक्चुअली, ह्यूमन जो है उसको एक बड़ा इंफॉर्मेशन प्रोसेसर कहा जाता है, क्योंकि वो जो भी सेंस करता है, जैसे सुनना है उसके बारे में, देखना है, टच करना है, स्मेल करना है, टेस्ट करना है, उससे वो माइंड में लेके जाता है और उसे अंदाजा लगाता है ये क्या चीज़। जैसे कि सुना, आपने देखा, अगर एक पर्सन को आप देखते हो, आप उसको जानते हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके आने से आपको खुशी होती है, तो आपके माइंड में वो प्रोसेस होता है कि ये कौन है, पहचानते हैं, फिर आप खुशी का इजहार करते हैं। और एक पर्सन है जिसको आपको पसंद नहीं है, तो उसके आने से आपको कोई ख़ास खुशी नहीं होगी, और उसके लिए आप क्या एक्सप्रेशन देंगे ये भी आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो कोई ऐसा पर्सन जिसको आप नहीं जानते, तो उसके लिए आपके अलग से एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास हेयरिंग है, आप आवाज़ सुनते हो, अगर आवाज़ किसी इंसान की है तो फिर, अगर कुछ घूस्ट की है तो फिर आप डर जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसे टच करते हैं कि कोई पानी कोई चीज़ है उसको टच करेंगे, या पाया यार ये किस तरह की चीज़ है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है, इस तरह से स्मेल किया आपने, टेस्ट किया, इस तरह सारे मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है बाकायदा माइंड में, फिर जाके जो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किसी रिज़ल्ट पहुँचते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को मेंटल रिप्रेजेंटेशन को, इसको अगर आप इमेजेस एंड मॉड्यूल्स में देखें, तो देखेंगे आपके पास डायग्राम है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी माइंड की पोजीशन दी गई है। जैसे क्या है, इनपुट ली गई है, इनकोडिंग हुई फर्स्ट स्टेज पर, दूसरा कंपैरिजन, पहले माइंड पे लिया कि ये क्या चीज़ है, कंपैरिजन किया उसको दूसरी चीज़ों के साथ जो आपके माइंड में मौजूद है, उसके बाद उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है कि अब अगर ऐसा एक्शन है तो इसके रिज़ल्ट में हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या रिस्पांस देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि रिस्पांस एग्जीक्यूशन है स्टेज नंबर 4, फिर आपने उस रिस्पांस को एग्जीक्यूट किया एंड देन हम जो है आउटपुट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी अब यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी। ओके, लाभ।